हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जेल में बंदी हड़ताल पर खाने का किया बहिष्कार। देश की सबसे सुरक्षित कही जाने वाली जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंदी भूख हड़ताल पर उतर आए हैं। वे कल शाम से यहां खाने का बहिष्कार कर रहे हैं। उन्होंने शनिवार सुबह भी नाश्ता नहीं खाया। वे कैंटीन से बंदियों के लिए बीड़ी की बिक्री शुरू करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि जेल प्रशासन ने उनसे समझाइश की कोशिश की, लेकिन वे अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। बंदियों का यह भी आरोप है कि उनसे मिलने आने वाले परिजनों से जेल प्रशासन की ओर से दुर्व्यवहार किया जाता है। जांच के नाम पर उनके लिए लाया गया सामान निकाल लिया जाता है। उल्लेखनीय है कि जेल परिसर में सरकारी स्तर पर ठेके के अलावा खानपान का बंदियों को अघोषित रूप से ठेका दिया जाता है और यह बंदी खाद्य सामग्री काफी ऊंची दामों पर अन्य कैदियों को बेचते हैं। इसी तरह मुलाकात पर आने वाले परिजनों के साथ जेल के मुख्य द्वार से लेकर मुलाकात स्थल तक कई चरणों में जेल कर्मचारी दुर्व्यवहार करते हैं, उनके साथ धक्का मुक्की करते हैं, चेकिंग के नाम पर सामान निकाल लेते हैं और मुलाकात भी निर्धारित समय से कम समय की करवाते हैं, साथ ही पैसे की मांग करते हैं। हालांकि जेल प्रशासन इन आरोपों को नकार रहा है। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।